तो गाइस आज हम देखते हैं कि बुलेट को कोल्ड स्टार्ट कैसे करना है और जो बैक किक की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना की ऑन करना है यहाँ से, इट्स ऑल राइट। अब आपको यहाँ से क्लच दबाना है 15 बार। अब 15 बार क्लच दबा लिया, अब अपने को 15 बार क्लच दबा के 15 बार फ्री किक मार लिए, जिससे अपने ऑयल का प्रेशर आ जाएगा अच्छा। और आपको कोशिश करनी है कि रात में जब भी आप कहीं से भी आओ सेंटर स्टैंड पर लगा दो, तो आपकी ये यहाँ से आपको ऑयल दिखता रहेगा, ऑयल प्रेशर ठीक रहेगा, मतलब सामने बीच में रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार ली मैंने, एक बार और मार लेते हैं। अब आपको फिर से कूदना है, एक आपका बुलेट चालू हो जाएगा सिर्फ एक किक में। अब देखते हैं कि बैक किक के समय बैक का प्रॉब्लम कैसे आता है। तो जो ये आता है सबसे ज़्यादा आता है स्टैंडर्ड में, क्योंकि स्टैंडर्ड का क्लासिक से ज़्यादा क्रैंक भारी होता है। अब जब वो पिस्टन ऊपर जाता है और अपन जब यहाँ पे आके अपना पैर अटकता है, तो यहाँ से सीधी किक बैक मारती है और जब कुछ ऐसा होता है, इससे भी बहुत खतरनाक होता है। तो ये देखिए भाई, अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप बिल्कुल भी एक्सीलेटर मत दो। अगर आपका ओल्ड बुलेट है तो आपको उसमें भी किकबैक पड़ेगा, है ना। क्लच दबा के वो भी प्रेशर वाला करो और स्टार्ट हो जाएगा बुलेट आपका। अगर सेल्फ स्टार्ट वाला भी हो लेकिन फिर भी आपको कोल्ड स्टार्ट करना है, क्योंकि टैपेड का नॉइस आएगा, फिर बहुत आएगा। अब आप एक क्लिप देखो, देख लिया क्लिप, अब कुछ ऐसा होगा आपके साथ में। तो यू कैन इमेजिन कि जब आपको बैक पड़ेगा तो आपके पैर में क्या होगा। जब भी आप किक मारो आप अपना पैर को पूरा सीधा मत करो, आप अपने पैर को थोड़ा सा ऐसे कोशिश करो टेढ़ा रखो, क्योंकि अगर बिल्कुल सीधा रहेगा ना आपका पैर, तो आपका पैर ऐसे ऊपर आएगा, तो ऐसे ऊपर आने के चक्कर में ना आपके पैर पे यहाँ पे जोर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, उससे आपके पैर की हड्डी टूट जाएगी। अब अगर आपका पैर टेढ़ा रहेगा तो वो ऐसे टेढ़ा होकर ऊपर आ जाएगा, इससे आपको इंजरी नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल द टाइम, बाय बाय।